हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की। प्यारे बच्चों, आज की टॉपिक रहने वाली ट्रांसफार्मर, अर्थात हम ट्रांसफार्मर के बारे में जानने चल रहे हैं। प्यारे बच्चों, ट्रांसफार्मर के बारे में लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहली बात जो आज की टॉपिक रहने वाली प्यारे बच्चों, ये आज कक्षा 12 के लिए ही नहीं, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करते हैं तो यहाँ से ट्रांसफार्मर से प्रश्न आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं। प्यारे बच्चों, तो आज हम प्रयास करेंगे कि एकदम सरल भाषा में, एकदम आसान भाषा में आपको ट्रांसफार्मर समझाया जाए और बिल्कुल कम से कम समय में आपको ट्रांसफार्मर समझ में आ जाना चाहिए। तो चलिए हम ट्रांसफार्मर के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आपको चित्र में दिखाई पड़ रहा होगा कि ऐसे ट्रांसफार्मर, ये आपका, आप जब आप घर में या आपके घर के बाहर या आपके गांव में, आपके शहरों में जहां आप ट्रांसफार्मर देखते होंगे तो ट्रांसफार्मर कुछ इस प्रकार बना रहता है, इस प्रकार लगाया गया रहता है। अब आपके मन में कुछ चीजें उड़ती हैं कि ये प्राथमिक कुंडली, ये जो द्वितीय कुंडली आपको दिखाई पड़ रहा, ये सब तो आपको वहां पर नहीं दिखाई पड़ता ट्रांसफार्मर के बाहर। तो भाई ट्रांसफार्मर के सब ये अंदर वाले भाग होते हैं, ट्रांसफार्मर के अंदर ये सब प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली बनाए जाते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, अब पहले तो हम चर्चा करते हैं कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। ट्रांसफार्मर होता क्या है भाई? ट्रांसफार्मर एक प्रकार की युक्ति है, एक प्रकार का यंत्र है, एक प्रकार का उपकरण है। ट्रांसफार्मर एक प्रकार की युक्ति है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं जानते हैं? जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, या हम कह दें प्रत्यावर्ती धारा को, बदला जा सकता है। यानी बदला जाने का मतलब ये नहीं कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज को दिष्ट वोल्टेज में हम बदलने की बात कर रहे हैं, नहीं प्यारे बच्चों, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम कर किया जा सकता है या ज्यादा किया जा सकता है, यही इसका मेन काम होता है। यानी ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, प्रत्यावर्ती करंट को कम या ज्यादा किया जा सकता है। अर्थात ये ट्रांसफार्मर दो कार्य करता है, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाता है, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाता है। यानी इसके कार्य करने के आधार पे ट्रांसफार्मर को हम दो भागों में बांट सकते हैं। प्यारे बच्चों, कितने भागों में? दो भागों में। एक होता है आपका जो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज करता होगा, उसे हम कहते हैं अपचारी ट्रांसफार्मर, और जो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करता है उसे हम उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। एक बार फिर से, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है प्यारे बच्चों? दो प्रकार का होता है, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है, एक अपचारी ट्रांसफार्मर होता है। उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करने वाला अपचारी ट्रांसफार्मर कहलाता है, और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करने वाला उच्चाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो प्यारे बच्चों, ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। किस पे? अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर कार्य करता है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि अन्योन प्रेरण क्या होता है? प्यारे बच्चों, तो मैंने अन्योन प्रेरण की क्लास इससे पिछले वाली चैप्टर में पढ़ा के रखा। प्यारे बच्चों, यदि आप वहां पर नहीं देखे हैं तो वो चीज जाके जरूर देखिएगा, अन्योन प्रेरण क्या होता है। अन्योन प्रेरण यहां समझने के लिए आप केवल इतना समझिएगा कि जो आप प्राथमिक कुंडली में यहां घटना घटित होगी वो आपके द्वितीय कुंडली में भी घटना घटित होगी। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम बातें जो किए हैं वो चीजें थोड़ी सी लिखने का प्रयास करते हैं। आखिर ट्रांसफार्मर के बारे में लिख लिया जाए थोड़ा सा। गाइस देखते हैं, हम लोग जो हमने समझा था अभी तक वो चीजें यहां पर लिख दी गई हैं। यानी ट्रांसफार्मर क्या होता है? यह एक ऐसी डिवाइस होती है, यह एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को घटाने और बढ़ाने का यह एक युक्ति होती है, यह एक उपकरण होता है। अब बात आती है कि
यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है प्यारे बच्चों? यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। किसके सिद्धांत पे आधारित होता है? जो ये ट्रांसफार्मर होता है वो आपका अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे क्या होता है? आधारित होता है। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक अपचाई ट्रांसफार्मर। अब ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है प्यारे बच्चों? देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करने वाला, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित करने वाला ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। यानी हम बात करें जो निम्न वोल्टेज होता है, जैसे मैंने कहा कि आपको जो वोल्टेज आपके पास घर पे आ रही है वो वोल्टेज यदि कम है, वोल्टेज कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज बनाने के लिए, कम वोल्टेज का मान ज्यादा वोल्टेज में प्राप्त करने के लिए हम कौन से ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं प्यारे बच्चों? ऊंचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। अर्थात यह एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो कि निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में क्या कर देता है? बदल देता है। अब हम बात करते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर का। तो अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है प्यारे बच्चों? उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदल देता है। यानी कभी कभी वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, जैसे आप जो भी कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस चला रहे हैं उस इलेक्ट्रिक डिवाइस को चलाने के लिए निम्न वोल्टेज की जरूरत है और वोल्टेज बहुत हाई है, उच्च वोल्टेज है, तो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए हम लोग अपचारी ट्रांसफार्मर का क्या कर लेते हैं भैया? उपयोग कर लेते हैं। क्या इतनी बातें आपकी क्लियर हो रही होंगी कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, अपचारी ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है? यदि इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी तो अब हम चर्चा करेंगे ट्रांसफार्मर की बनावट के बारे में, अर्थात ट्रांसफार्मर की संरचना के बारे में। अभी तक केवल केवल हम लोगों ने देखा था ट्रांसफार्मर क्या है और ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे आधारित होता है, और उसके बाद हमने देखा ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे ट्रांसफार्मर की संरचना अर्थात ट्रांसफार्मर की बनावट के बारे में। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अब हम टॉपिक की चर्चा करेंगे संरचना की। तो गाइज हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर की संरचना अर्थात ट्रांसफार्मर की जो बनावट होती है वो किस प्रकार होती है। सबसे पहले तो आइए हम इधर की तरफ चित्र में देखते हैं कि ट्रांसफार्मर बना कैसे होता है। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, ट्रांसफार्मर में एक जो होता है ना, ये जो बीच वाला भाग है, जो बीच में ये खाली है, इस खाली वाले भाग में, जिस खाली ये जो खाली वाला भाग है इसे हम क्या नाम देते हैं प्यारे बच्चों? क्रोड नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? क्रोड। क्या नाम देते हैं प्यारे बच्चों? क्रोड। अर्थात ट्रांसफार्मर में एक क्रोड लगा होता है। क्या लगा होता है? एक क्रोड लगा होता है जो कि कई परतों से, कई पटलों से मिलाकर बना होता है। और ये पटल किसके बने होते हैं भैया? नर्म लोहे के पटल होते हैं। यानी आप ऐसे समझिए कि आप अगर सोच रहे होंगे कि सर जी ये जो क्रोड है वो कई पट्टियों से बनाने के बजाय क्या सर ये ऐसे, जैसे इसका एक परत इस प्रकार तैयार किया जाता है, ऐसे ऐसे करके ये कई पट्टियों से मिला के बनाया जाता है। अब आपके मन में हो रहा होगा कि सर जी इतनी इससे बढ़िया है कि हम एक को ऐसे इतनी मोटी पट्टी डायरेक्ट न लगाते हैं, क्यों ऐसे ऐसे इतनी पट्टियां लगाई जाती हैं? तो भैया आप डायरेक्ट ऐसी एक मोटी सी पत्ती यहां तो लगा देंगे, परंतु ये मोटी सी पत्ती यहां इसलिए नहीं लगाई जाती क्योंकि उस ट्रांसफार्मर के अंदर एक भंवर धाराएं उत्पन्न होती है और वो भंवर धाराएं इसको, इस पूरे पट्टी को गर्म कर देगा, तप्त कर देगा, लाल कर देगा। इसलिए हम एक सिंगल पट्टी का उपयोग नहीं करते हैं प्यारे बच्चों, परंतु ये जो कई पट्टियों से मिलाकर, कई पट्टियों से पतली 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 कई पट्टियों से मिलाकर ये जो ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाया जाता है, जो ट्रांसफार्मर का प्यारे बच्चों क्रोड बनाया जाता है, तब जब इसके अंदर जब अब भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी तो ये ट्रांसफार्मर की जो एक दो तीन चार कई पट्टियां है ना, जो क्रोड की कई पट्टियां, उनमें से
कुछ ही पट्टियां गर्म होंगी, परंतु बाहर की पट्टियां गर्म नहीं होंगी। इसलिए ट्रांसफार्मर के जो क्रोड होते हैं वो कई प्लेटों से मिलकर बने होते हैं। क्या इतनी बातें आपको समझ आ रही प्यारे बच्चों? एक बार फिर से हम चर्चा करते हैं, ट्रांसफार्मर के जो क्रोड होते हैं, वो नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, साथ में जो नर्म लोहा होता है वो कई प्लेटों में मिलकर बना होता है, कई प्लेटों से जुड़कर बना होता है। यानी हमारे कहने का मतलब है ये क्रोड जो है कई प्लेटों से मिलकर, कई पतली कई पट्टियों से मिलाकर बनाई जाती है। क्या इतनी बातें क्लियर हुई? अब प्यारे बच्चों हम आपको एक बात और बता रहे हैं कि जो ट्रांसफार्मर की जो प्लेटें हैं, देख रहे हैं एक प्लेट दो प्लेट, इन प्लेटों के बीच देखिए जगह छूट जा रहा है। जब हम प्लेटों को जोड़ते हैं तो प्लेटों के बीच जगह छूट जाता है, और इस प्लेटों के बीच में जो जगह छूट जाता है इस पे लेप कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है प्यारे बच्चों? लेप लगा दिया जाता है। जिस कारण इस कारण लेप लगा दिया जाता है, अगर लेप ना लगाया जाए, प्यारे बच्चों, तो इसके अंदर भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी। यानी ट्रांसफार्मर में अगर कहीं भी खाली जगह आप छोड़ोगे तो ट्रांसफार्मर के अंदर भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी। और आपको पता है प्यारे बच्चों कि जो भंवर धाराएं होती हैं वो ओरिजिनल करंट का, अर्थात जो आप करंट उसमें ट्रांसफार्मर में लेके जा रहे हो वो उसका विरोध करेंगी, और आप जिससे विरोध करने के कारण जो भंवर धाराएं ओरिजिनल करंट का विरोध करेंगी और ट्रांसफार्मर आपका जो है अच्छे से काम नहीं कर पाएगा प्यारे बच्चों। इसलिए ट्रांसफार्मर में हम कहीं भी खाली जगह छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि जब जहां खाली जगह होगा वहां भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी, और भंवर धाराएं उत्पन्न होने के बाद वो ओरिजिनल करंट का क्या करती है? विरोध करती। इसलिए हम लोग कहीं पर भी खाली जगह नहीं छोड़ते हैं प्यारे बच्चों। एक बार फिर से बताते हैं, अब बात आती है कि ट्रांसफार्मर के क्रोड के अंदर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, सर जी ये तो काफी जगह यहां छुटा, ये यहां भंवर धाराएं क्यों नहीं उत्पन्न होती? भैया हम बता दें, ट्रांसफार्मर जो क्रोड में खाली जगह होता है, जो क्रोड के अंदर खाली जगह होता है वो जो होता है उसमें हम लोग क्या भरते हैं? निफ्था आयल भरते हैं। क्या भरते हैं प्यारे बच्चों? निफ्था आयल भरते हैं। निफ्था आयल इसलिए भर दिया जाता है जिससे कि पूरा के पूरा टंकी जो है भरा रहे, कहीं खाली स्थान न छूटे। खाली स्थान छूटने के कारण वहां पर भंवर धाराएं क्या हो जाएंगी? तुरंत उत्पन्न हो जाएंगी। तो भैया क्रोड के अंदर क्या भर दिया जाता है? इसमें एक टैंक होता है। ये क्या होता है प्यारे बच्चों? टैंक होता है। उसी टैंक में इस क्रोड को पूरा क्या कर दिया जाता है? भर दिया जाता है, और उसी में निफ्था आयल भी भरा रहता है। तो पूरी टंकी भर जाती है, कहीं पर खाली जगह नहीं रहता। अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, यही चीज यहां पर लिखी गई है कि ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है वो नर्म लोहे की विद्युत रोधी पट्टियों से बनाई जाती हैं। ये जो ट्रांसफार्मर की प्यारे बच्चों ये जो क्रोड है, ये वाली जो क्रोडे हैं, ये जो बनाई गई हैं, ये नर्म लोहे कच्चे लोहे की पट्टियों से बनाई जाती है, और ये कच्चे लोहे की जो पट्टियां होती है वो विद्युत रोधी होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? विद्युत रोधी होती है। अब आगे यहां पर कह रहा है, क्रोड में भंवर धाराएं कम उत्पन्न होने के लिए, क्रोड के अंदर भंवर धारा कम उत्पन्न हो इसीलिए तो इनकी जो क्रोड की पट्टियां होती हैं वो पटलित बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती है? पहले जो पटलित बनाई जाती हैं, इस प्रकार थोड़ा पटल नुमा बनाए जाते हैं। ऐसे देखिए लिखा ना, क्रोड में भंवर धाराएं कम उत्पन्न करने के लिए पटलित किया जाता है, यानी इस पूरे क्रोड को ही पटल नुमा का आकृति दे दिया जाता है। क्या इतनी बातें समझ में आ रही प्यारे बच्चों? अब हम आगे की तरफ चलते हैं इनकी संरचना के बारे में। यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा प्राथमिक कुंडली, वहां पर दिखाई पड़ रहा होगा द्वितीय कुंडली। प्राथमिक कुंडली मतलब प्राइमरी कॉयल, और द्वितीय कुंडली मतलब होता है सेकेंडरी कॉयल। अब वहां पर क्या होता है? वहां पर क्या कर रहा है भैया कि क्रोड के किसी एक भुजा पर, तांबे के तार को, कई फेरा लपेट कर। भैया एक बार फिर से ध्यान से सुन लो, ऐसा चीज कहीं नहीं मिलने वाली है कि क्या हमने बताया था? क्रोड के किसी एक लंबी भुजा पर तांबे के फेरे को लपेट कर, तांबे के तार का कई फेरा लपेट कर एक कुंडली बना दी जाती है जिसे हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं। और प्राथमिक कुंडली की खास बात क्या होती है प्यारे बच्चों? कि प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज को जोड़ दिया जाता है।
फिर से एक बार बता रहे हैं प्यारे बच्चों, हम क्या कर रहे हैं कि क्रोध की जो सबसे लंबी भुजा होगी, क्रोध के सबसे लंबी भुजा पर ताबे के तार के कई फेरे लपेट कर, ताबे के तार के कई फेरे लपेट कर एक कुंडली बनाई जाती है जिसे हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं, और इस प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज को जोड़ देते हैं। यही चीज यहां पर लिखा गया है, क्रोड की एक भुजा पर ताबे के तार को लपेट कर एक कुंडली बनाई जाती है जिसे प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ दिया जाता है, यही आपकी प्राथमिक कुंडली कहलाती है। तो अब आपके मन में जो प्राथमिक कुंडली के बारे में प्रश्न उठ रहा होगा, आप जान गए होंगे प्राथमिक कुंडली क्या होता है। प्यारे बच्चों, अब उसी प्रकार हम द्वितीयक कुंडली के बारे में जान लेते हैं। द्वितीयक कुंडली क्या होती है कि प्राथमिक कुंडली के सामने वाली भुजा पर, प्राथमिक कुंडली के सामने वाली भुजा पर ताबे के कई फेरे लपेट दिए जाए, ताबे के तार का कई फेरा लपेट कर एक कुंडली बना दिया जाए जिससे आपको निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। इससे आपको क्या मिलता है प्यारे बच्चों, निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है, इसे ही हम द्वितीयक कुंडली का नाम देते हैं। एक बार फिर से आप ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, प्राथमिक कुंडली के सामने वाली भुजा, प्राथमिक कुंडली के सामने वाली भुजा पर ताबे के तार का कई फेरा लपेट कर, ताबे के तार के कई फेरे को लपेट कर एक कुंडली बनाई जाती है जिससे हम वोल्टेज को प्राप्त करते हैं, जिससे निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। निर्गत मतलब प्राप्त होना, या आपको प्राप्त हो रहा है, वही द्वितीयक कुंडली कहलाती है। ये देखिए लिखा है, प्राथमिक कुंडली के सामने वाली भुजा में ताबे के तार को लपेट कर एक कुंडली बना दी जाती है जिससे निर्गत वोल्टेज प्राप्त करते हैं, वो आपकी द्वितीयक कुंडली कहलाती है। यही होता है ट्रांसफार्मर की संरचना, और यही होती है ट्रांसफार्मर की बनावट। प्यारे बच्चों, ये आपके, अब ध्यान से देखिएगा, कुछ चीजें नीचे बना के दी गई हैं, जैसे कि आपको अपचाई ट्रांसफार्मर और उच्चाई ट्रांसफार्मर दिखाई गई है। अभी हमने थोड़ी सी चर्चा किया था कि उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिर उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर की बनावट में अंतर क्या होता है। बस केवल यही समझना है, उच्चाई ट्रांसफार्मर में क्या अंतर होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या अंतर होता है, बस। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा, ये आपकी प्राथमिक कुंडली है, ये आपकी प्राथमिक कुंडली है, और ये आपकी द्वितीयक कुंडली है, और इसके बीच ये जो है ये क्रोड रख दिया गया। प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली के बीच ये जो नर्म लोहे का आपने क्रोड नहीं बनाया, वही चीज ये रखा गया, देखिए नर्म लोहे का क्रोड बनाया गया। अब ध्यान से देखिएगा क्या होता है कि अपचाई ट्रांसफार्मर का ये दिखाया जा रहा है, ये किसका बताया जा रहा है प्यारे बच्चों, अपचाई ट्रांसफार्मर की। तो अपचाई ट्रांसफार्मर की खास बात क्या होती है, जरा सा गौर से समझना प्यारे बच्चों। अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, यही अपचाई ट्रांसफार्मर की खास बात होती है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, हमने क्या कहा कि प्राथमिक कुंडली में जो ताबे के तार के लपेटे बनाए जाते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है, और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, कम होती है, क्या होती है, कम होती है। इसी कारण ये जो होता है ना, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदल देता है। क्या बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया कि अपचाई ट्रांसफार्मर की जो संरचना होती है ना, उसके प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, द्वितीयक कुंडली से ज्यादा फेरा लपेट देंगे, जिसके कारण प्राथमिक कुंडली में उच्च वोल्टेज प्राप्त होगा, और जब वही उच्च वोल्टेज द्वितीयक कुंडली में जाएगा तो वहां फेरों की संख्या कम रहेगी और वह निम्न वोल्टेज में क्या कर देगा, बदल देगा। यही प्रोसेस होता है। एक बार फिर से थोड़ी सी, केवल एक मिनट और समय लेंगे आपका। मैंने क्या कहा कि भाई प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम है, तो वो अपचाई ट्रांसफार्मर होगा। चलो मान लेते हैं ये अपचाई ट्रांसफार्मर है,
ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर वोल्टेज ज्यादा प्राप्त होगा, और जब ये वोल्टेज द्वितीयक कुंडली से होकर गुजरेगा तो द्वितीयक कुंडली में वोल्टेज की मान कम हो जाएगा, और इसे ही तो अपचायी ट्रांसफार्मर कहते हैं। उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने वाला अपचायी ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब हम चर्चा करेंगे उच्चाई ट्रांसफार्मर की। जो उच्चाई ट्रांसफार्मर है प्यारे बच्चों, उसमें क्या कहता है, गजब की बात। उसमें क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, उसमें क्या होता है जानते हो, उसके द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा देते हैं। द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। एक बार फिर से, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, फेरों की संख्या ज्यादा कर दी जाए, और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, कम होती है। एक बार फिर से प्यारे बच्चों, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। ये उच्चाई ट्रांसफार्मर की बनावट में किया जाता है, अर्थात उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम कर दी जाती है, जिससे निम्न वोल्टेज जाता है, और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है, जिससे आपको उच्च वोल्टेज मिलता है। और अब उच्चाई ट्रांसफार्मर का काम यही होता है प्यारे बच्चों, कि निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलना। इस प्रकार ट्रांसफार्मर की संरचना और बनावट समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम चर्चा करेंगे ट्रांसफार्मर की कार्यविधि। यही लास्ट टॉपिक रहने वाली है। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि होती है, कहीं ना कहीं सैथिल हानि होती है। फिर उसके बाद आपके जो कई प्रकार की हानियां होती है, सैथिल हानि होता है। फिर उसके बाद और कुछ हानि है, उनकी अभी चर्चा हम कर लेंगे लास्ट की क्लास में थोड़ा सा। फिलहाल अब हम इनके क्या चर्चा करने वाले, इनकी कार्य विधि, इनकी ये कार्य कैसे करता है ट्रांसफार्मर। तो प्यारे बच्चों, ट्रांसफार्मर की जो कार्य विधि होती है वो क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। जब हम ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में, जब हम ट्रांसफार्मर के इस प्राइमरी कॉइल में प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करते हैं, जब आप इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाओगे प्राथमिक कुंडली में, तो प्राथमिक कुंडली में जो ही प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाओगे तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगातार परिवर्तित होता है। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को लगातार परिवर्तन के कारण, लगातार परिवर्तित होने के कारण इस सेकेंडरी कॉइल में, इस द्वितीय कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। यही इसका कार्यविधि होता है, यही इसका सिद्धांत होता है। एक बार फिर से प्यारे बच्चों, यहां देखिए लिखा भी गया है कि जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है, क्या किया जाता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित किया जाता है, तो प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। तो प्राथमिक इस पूरे प्राइमरी वाले कॉइल में क्या होता है, धारा प्रवाहित होने लगती है, और तथा धारा परिवर्तन के कारण, प्रत्यावर्ती धारा लगातार परिवर्तित होती रहती है, इसमें धारा परिवर्तन होगा, धारा परिवर्तन होने के कारण सेकेंडरी कॉइल द्वितीय कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे द्वितीय कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। यही इसकी कार्यविधि होता है। अब हम इसके लिए व्यंजक प्राप्त कर लेते हैं प्यारे बच्चों, आइए ध्यान से देखेंगे। अब हम स्टार्टिंग करेंगे प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, क्या उत्पन्न विद्युत वाहक बल, उत्पन्न विद्युत वाहक बल। तो मान लेते हैं प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल ई पी, पी इसलिए लगाया गया क्योंकि प्राइमरी यानी प्राथमिक की बात हो रही है। ई पी इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या जो है एन पी नाम दे, और सेकेंडरी कॉयल में फेरों की संख्या क्या नाम दे, एन एस नाम दे। एन पी और एन एस का मतलब आप समझ रहे होंगे, पी प्राइमरी के लिए लगाए हैं, एस सेकेंडरी के लिए लगाए हैं, तो क्या हो जाएगा जानते हैं, क्या होगा प्यारे बच्चों, ई पी इक्वल टू क्या होगा, माइनस, क्या होगा, माइनस, हमने पढ़ा माइनस डेल्टा फाई, डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी, या हम कहते हैं डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी। ये क्या होता है, अर्थात प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली के फेरों से बद्ध, प्राथमिक कुंडली के फेरों से बद्ध
चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन के कारण ही तो विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। तो जितना इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा वही विद्युत आवेश बल के बराबर हो जाएगा। ये एक फेरे की बात हो रही है, और आपने फेरों की संख्या कितनी माना है, एनपी, तो ये एनपी का गुना हो जाएगा। एक बार फिर से, प्राथमिक कुंडली में जैसे ही प्रत्यावर्ती वोल्टेज आपने लगाया तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान में परिवर्तन होगा, तो प्राथमिक कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और इसी परिवर्तन के कारण सेकेंडरी कॉइल में भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो भैया प्राथमिक कुंडली में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर होगा। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन कितना, Δ5V/Δt, फेरों की संख्या एनपी थी, एनपी हो गई। अब भाई समीकरण नंबर ये क्या हो गया, एक हो गया। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, अन्योन प्रेरण के कारण द्वितीयक कुंडली में भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ये चीज लिखना चाहिए तो आप लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे, अन्योन प्रेरण के कारण, क्या, अन्योन प्रेरण के कारण द्वितीयक कुंडली में, द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, उत्पन्न विद्युत वाहक बल ई एस नाम देते, सेकेंडरी कॉइल माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, यहां से ध्यान से देखिएगा, वहां मानेंगे Δ5V/Δt, जितना चुंबकीय फ्लक्स इससे परिवर्तन होगा उतना वहां भी होगा, Δ5V/Δt, वहां फेरों की संख्या केवल बदलाव रहेगी, तो एन एस हो जाएगा समीकरण नंबर दो। अब हम करते हैं क्या प्यारे बच्चों, समीकरण एक बटे समीकरण दो, समीकरण एक में समीकरण दो से भाग दे देते हैं, समीकरण एक बटे समीकरण दो। तो समीकरण एक क्या है, ईपी है, और समीकरण दो क्या है, ई एस है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस Δ5V/Δt, ये ईपी की वैल्यू है, एनपी, और बटे क्या हो जाएगा, Δ5V/Δt एन एस। प्यारे बच्चों ये चीज कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, अर्थात लास्ट में आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ईपी बटे ई एस इक्वल टू एनपी बटे एन एस, ये रिजल्ट मिलेगा। यानी प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल और द्वितीयक कुंडली में विद्युत वाहक बल का अनुपात प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ये रही प्यारे बच्चों इसकी क्रिया विधि, ये रही इसकी कार्य विधि। ठीक, अब हम इसकी चर्चा करेंगे ट्रांसफार्मर की दक्षता के बारे में। अब हमारी अगली टॉपिक होगी ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी, यानी इसकी दक्षता क्या होती है, दक्षता मतलब कार्य करने की क्षमता, इसके अंदर कितनी पावर होती है उसकी चर्चा करेंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम ट्रांसफार्मर की दक्षता के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों हम चर्चा कर लेते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है, ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता या किसी भी युक्ति की दक्षता निकालनी हो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, तो भाई हम करते क्या है कि हम उसको दे कितना है, जैसे कोई मजदूर होता है वो क्या होता है कि हम उसको पेमेंट कितना दे रहे हैं, या उसको कितना दे रहे हैं, वो कितना कार्य कर रहा है, वो उसकी दक्षता होती है। उसी प्रकार का बच्चों ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है कि भैया ये कितना आपसे ले रहा है और आपको कितना दे रहा है, यही इसकी दक्षता कहलाती है। अर्थात हम इसको कितना प्रत्यावर्ती वोल्टेज दे दे रहे हैं, कितना प्रत्यावर्ती वोल्टेज दे दे रहे हैं, और ये कितना आपको कार्य करके दे रहा है, ये ट्रांसफार्मर की दक्षता कहलाती है। तो हम यहां लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, अर्थात ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जानते हैं, ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर होगा द्वितीयक कुंडली में प्राप्त ऊर्जा बटे प्राथमिक कुंडली से, या प्राथमिक कुंडली में दी गई ऊर्जा,
प्राथमिक कुंडली में दी गई ऊर्जा गुणे सौ। ठीक, ये होता है पहले बच्चों। अब आप ध्यान से देखिएगा, ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो बता रहा है कि आप द्वितीय कुंडली में कितना ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं वो, और प्राथमिक कुंडली में कितना ऊर्जा दे रहे हैं, उसी का अनुपात ही ट्रांसफार्मर की दक्षता कहलाती है। या हम इसको दूसरी बातों में करें तो द्वितीय कुंडली में जो प्राप्त ऊर्जा होगी उसे हम कहते हैं निर्गत शक्ति। क्या हो जाएगी? निर्गत शक्ति, और बटे क्या हो जाएगा जो हम देते हैं उसे हम कहते हैं निवेशी शक्ति। किसका नाम देते हैं? निवेशी शक्ति। यानी हम यहाँ प्यारे बच्चे ये कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो कितना दे रहा है उस पे और कितना ले रहा उसके ऊपर डिपेंड करता है। और नोट पॉइंट बता दे प्यारे बच्चों, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है, आदर्श ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो 100% होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों? 100% होता है। परंतु व्यवहारिक जीवन में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ऐसा कोई ट्रांसफार्मर व्यवहार में हो, व्यवहारिक जीवन मतलब अपने जब हम लोग उपयोग में लाते हैं, ऐसा कोई ट्रांसफार्मर नहीं बना प्यारे बच्चों कि आपसे 100 एम्पियर करंट ले, आपको 100 एम्पियर करंट दे। कुछ ना कुछ करंट वो जो है अपने अंदर खपत कर ही लेता, कुछ ना कुछ ऊर्जा की हानि वहां पर हो ही जाती है भैया। तो ये इतनी हो गई, और बात करते हैं और व्यवहारिक जीवन में, किसमें भैया? व्यवहारिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में जो ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है, ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो 95 से 98% होता है प्यारे बच्चों। ट्रांसफार्मर की दक्षता ये होती है। आई होप कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी प्यारे बच्चों। यदि कहीं भी कोई डाउट रह गया होगा, जो चीजें आपको नहीं समझ में आई होगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। परंतु ये लेक्चर आपका तैयार रहना चाहिए, यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन जरूर बनते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।